वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। इस वीडियो लेक्चर में हम चार प्रेपोजिशंस को आज क्लियर करेंगे। आज का पहला प्रेपोजिशंस आपके सामने है, दैट इज थ्रू। थ्रू है पहला, दूसरा है टू, तीसरा है टुवर्ड्स एंड लास्ट होगा अंडर। तो हम चार प्रेपोजिशंस को खत्म कर देंगे इस लेक्चर में। थ्रू पहले पढ़ते हैं। थ्रू की हिंदी होती है से होकर। थ्रू की हिंदी तीन है, हिंदी मतलब मीनिंग तीन है, से होकर, से और के कारण। तो तीनों का सेंटेंस देखेंगे। से होकर में एक छोर से दूसरे छोर तक का मीनिंग छुपा रहेगा, और से में माध्यम मतलब मीडियम का मीनिंग रहेगा, और के कारण ठीक है। तो द गंगा पासिस थ्रू पटना। गंगा पटना से होकर गुजरती है, एक छोर से दूसरे छोर का भाव यहाँ पे छुपा रहता है। दूसरा है से, जिसमें मीडियम का भाव रहेगा। राम गॉट जॉब थ्रू श्याम। राम श्याम से जॉब प्राप्त किया, नौकरी प्राप्त किया। श्याम से मतलब श्याम की सहायता से, श्याम के माध्यम से, श्याम ने किसी से कहा होगा तो राम को जॉब मिल गया। तो यहाँ पे बोलते हैं थ्रू श्याम, श्याम से। फिर के कारण भी है, जैसे रामू डायड थ्रू नेगलेट। रामू मर गया उपेक्षा, नेगलेट मतलब उपेक्षा, उपेक्षा मतलब अनदेखा करने से। तो रामू उपेक्षा के कारण, थ्रू मतलब के कारण मर गया। तो इस तरह से थ्रू का मीनिंग तीन, से होकर, से और के कारण, तीनों का तीन सेंटेंस। से होकर का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। गो थ्रू, सी थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, जो आप रीड कहते हैं ना, रीड के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं गो थ्रू। सी थ्रू मतलब जैसे हम खिड़की हमारी शीशा की बनी हुई है और हम देखते हैं बाहर उस खिड़की से, तो बोलते हैं सी थ्रू, से देखना। तो इस तरह से अपना पहला थ्रू खत्म हो गया। दूसरा आएगा टू। टू बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। टू का मीनिंग भी बहुत सा है, और टू में देखिए इसका मीनिंग में पहला मीनिंग को, फिर है का, फिर है से, फिर है की ओर, फिर है की तुलना में, के प्रति, पर, बाकी, के लिए। नो मीनिंग है टू का, नौ से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम इतने मीनिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें पहली बार मैंने रेड नहीं किया है। रेड किसको करते हैं, जिसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसका सबसे अधिक प्रयोग होता है कहना मुश्किल है, इसलिए सबको मैंने एक ही कैटेगरी में रख दिया। पहले को होगा, आई राइट अ लेटर टू राम। मैं राम को पत्र लिखता हूं, यहाँ पे को आया है, एक नंबर से मैच कर दिया, का आना चाहिए। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की चाबी है। तो यहाँ पे की आ गया, का चाहे की एक ही बात है। फिर से राम स्पीक्स टू शीला। राम शीला से बात करता है, तो यहाँ पे से आया। फिर की ओर, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। यह बच्चा स्कूल की ओर जा रहा है, ये चार की ओर के लिए आ रहा है, पांच की तुलना में। रमेश इज सुपीरियर टू राम। रमेश राम की तुलना में सुपीरियर है। तो यहाँ पे की तुलना में बोलेंगे, से बोलते हैं राम से सुपीरियर है बोल देते हैं, लेकिन वास्तव मीनिंग की तुलना में होती है। तो रमेश इज सुपीरियर टू राम। रमेश राम की तुलना में सुपीरियर है, वरिष्ठ है, ये हो गया। के प्रति, इट इज आवर ड्यूटी टू आवर कंट्री। यह हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे एक के प्रति आ गया टू का मीनिंग। अब पर होना चाहिए, छह में सात में पर है। राम इनवाइट्स मी टू टी। राम मुझे चाय पर आमंत्रित करता है, यहाँ पे पर हो गया। बाकी इट इज 9 minutes to 8। 8:09 बाकी है, 8:09 बाकी है। फिर है के लिए, राम
केम टू मीट मी, राम मुझसे मिलने के लिए आया। तो यहाँ पे के लिए का मीनिंग मैच कर दिया। कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ टू का डिमांड करते हैं, जैसे कि लिसन टू आप तो यूज करते हैं, टॉक टू, रिलाई टू मतलब रिप्लाई टू का जवाब देना, बिलोंग टू से संबंधित होना, सकम्ब बी नहीं होता है, बी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं सकम, और इसको इल्ड, सकम टू एंड इल्ड टू दोनों का मीनिंग एक ही है, हार मान लेना। ग्रेटफुल टू मतलब आभारी होना, ग्रेटफुल का स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, ग्रेटफुल का स्पेलिंग है GRATE। फिर अग्री टू मतलब से सहमत होना, अग्री के साथ टू भी आता है और अग्री के साथ विद भी आता है। जब किसी प्रपोजल से हम सहमत होते हैं, किसी प्रस्ताव से प्रपोजल से सहमत होते हैं तो अग्री टू, और किसी आदमी से सहमत होते हैं तो अग्री विद होता है। तो यहाँ पे अग्री टू लिखा है, अग्री विद, जब विद पढ़ेंगे तो वहां पे अग्री विद भी लिखा मिलेगा आपको। इसके बाद है टूवर्ड्स, इसे पढ़ते हैं टूवर्ड्स, हिंदी है की ओर, के लिए, के प्रति, के लगभग, चार हिंदी है टूवर्ड्स की। सबसे अधिक की ओर के लिए हम इसका यूज करते हैं, द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स मी, बच्चा मेरे की ओर, चाहे मेरी तरफ, की ओर चाहे की तरफ, एक ही बात है, मेरी तरफ दौड़ा। फिर है के लिए, आई हैव सेंट मनी टूवर्ड्स पीएम केयर फंड, मैंने पीएम केयर फंड टूवर्ड्स के लिए पैसा भेजा है, मैंने पीएम केयर फंड्स के लिए पैसा भेजा है, दो नंबर से मैच किया। फिर है हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स मी आर फ्रेंडली, उसकी भावनाएं टूवर्ड्स मी मेरे प्रति आर फ्रेंडली है, दोस्ताना है, उसकी भावनाएं मेरे लिए या मेरे प्रति दोस्ताना है। फिर है के लगभग, इट इज नाउ टूवर्ड्स इवनिंग, अब इट इज नाउ मतलब अब, शाम के लगभग है, तो चार से चार मैच कर दिया। तो टूवर्ड्स के बाद अब अपना आज का लास्ट प्रीपोजिशन, वह है अंडर। हम देख रहे हैं आज चार प्रीपोजिशन, पहले थ्रू देख लिया, थ्रू के बाद टू देख लिया, और लास्ट में ही अभी टूवर्ड्स देखा है, अब अंडर। अंडर का के नीचे, के अधीन, से कम, में ही आएंगे। द कैट इज अंडर टेबल, टेबल के नीचे कैट है, तो यहाँ पे अंडर का प्रयोग हो गया। के अधीन, इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग अंडर द कैप्टनशिप ऑफ विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली के कप्तानी के अधीन खेल रही है, इसका के अधीन मीनिंग हो गया, मैच कर गया। फिर है शीला इज अंडर 18, मतलब शीला 18 से कम है शीला। फिर हमने योर प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन मतलब होता है विचार, आपका प्रस्ताव विचार में है, आपका प्रस्ताव विचार में है। इस तरह से आज हमने चार प्रीपोजिशंस देखा, पहला था थ्रू, दूसरा था टू, तीसरा था टूवर्ड्स, और चौथा है अंडर। थैंक यू वेरी मच।